हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेलीफोनिक स्किल के बारे में, मतलब कि आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ आमने सामने ही कम्युनिकेशन करो, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो या कोई भी वीडियो कन्वर्जेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्किल कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, किस किस तरह की वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, वो सब इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि लिसनिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसको कितनी जरूरत है, हमें क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में हमने डीप में देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि फीडबैक हमारा कितना जरूरी है, मतलब कि जब कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके अंदर हमारा जो फीडबैक है वो कैसे देना चाहिए हमें किसी पर्सन को, या किसी पर्सन का हमें फीडबैक कैसे लेना चाहिए, वो हमें इन डिटेल इस आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है टेलीफोनिक स्किल के बारे में, मतलब कि जो टेलीफोनिक स्किल है वो कितनी इम्पोर्टेंट है इन कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, तो वो आज के लेक्चर में देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टेलीफोनिक स्किल के बारे में, कि ये क्या कहना चाहता है, कितनी जरूरत है हमें इसकी, किस किस तरीके की चीज, हमारा वॉइस ट्यून कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी जो चीज है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोन कॉन्टेक्ट के बारे में, मतलब कि हमें किस तरह का हमारा जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए, कॉन्टेक्ट के बारे में फोन कैसे कर सके, उसको इफेक्टिव कैसे बना सके। ये कम्युनिकेशन इफेक्टिवली ऑन द टेलीफोन इज अ यूनिक स्किल, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाना है ऑन टेलीफोन, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो टेलीफोनिक जरिए से आपको एक इफेक्टिवली बनाना है, वो एक यूनिक स्किल है। मतलब कि अब तक हमने देखा तो प्लेटफॉर्म था तो वो लिसनिंग स्पीकिंग के जरिए था, राइटिंग के जरिए था, बट अब हमारा न्यू स्किल जो अभी डिजिटल जमाने में हमें यूज करना है, और कई बार आपको यूज करने हुए भी देखा होगा, आपने कई बार सुना होगा कॉलिंग सेंटर। तो वो कॉलिंग सेंटर क्या होता है, तो वो वन टाइप ऑफ यही है कि टेलीफोनिक के जरिए से वो कम्युनिकेशन करता है दूसरे क्लाइंट से। तो ऐसा ही है यहाँ पे, तो फोन कॉन्टेक्ट मतलब कि जो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको इफेक्टिव हम टेलीफोनिक के जरिए कैसे बना सकते हैं, टेलीफोन के जरिए हम कैसे बना सकते हैं, ये हमें सीखना है। जो आज के जमाने के जरिए हम देखने जाए तो एक यूनिक स्किल है, तो इसके बारे में हमें इन डिटेल देखना है। तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं इंफेक्शन कितना होता है। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है कि मतलब कि आपका जो टोन ऑफ वॉइस होता है और वर्ड होता है जब आप किसी के साथ कुछ मोबाइल पे या फोन पे बात करते हो, तो उसके अंदर कौन सी चीज का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इफेक्ट होता है, वो सब हमें यहाँ पे दिखाया गया। 86% ऑफ द मैसेज इज फ्रॉम योर टोन ऑफ वॉइस, मतलब कि आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ या किसी भी ऑडियंस के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो टेलीफोनिक के जरिए से, तो वहां पे आपको जो अपना टोन ऑफ वॉइस है ना, वही 86% मैसेज सामने वाले व्यक्ति को पढ़ा देता है। मतलब कि आपकी बोलने की स्टाइल कैसी है, आप किस तरह से अपने टोन को, अपने वॉइस का यूज करते हो, वही 86% अफेक्ट करता है। मतलब कि आपका मैसेज वही सक्सेसफुली उसको पहुंचाता है, जहां पे आपको दिखने को मिलेगा 86% आपको दिखाया गया आपके थ्रू, कि वही क्या है टोन ऑफ वॉइस, वो आप जितना अच्छा इफेक्टिव बना सकते हो अपना टोन ऑफ वॉइस उतना ही अच्छा आप कम्युनिकेशन टेलीफोनिक के जरिए कर सकते हो, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। और जो बाकी के 14% है, मतलब कि 14% ग्रेस बाय द एक्चुअल वर्ड, और बाकी का जो 14% जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो किसका है, वर्ड है। मतलब कि आप जब टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो किसी के साथ, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या मोस्ट पावरफुल क्या होता है, 86% ट्यून ऑफ वॉइस, और जो 40% होता है वो क्या होता है, वो आपके वर्ड। तो एक बार आपको यहाँ पे कम्प्लीटली याद रखनी होगी कि जो ट्यून ऑफ वॉइस है वो क्या काम करते हैं, कि आप जिस तरह से बोलते हो तो सामने वाले जो भी कोई पर्सन है या ऑडियंस है उसके अंदर को, उसके माइंड के अंदर कोई एक अलग सी इम्पैक्ट क्रिएट होती है। मतलब कि आपके बोलने की स्टाइल से वो अपने आप ही समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है। तो वो आपको मेनली फोकस किस बात पर करना होगा, तो आप भी जब टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ, तो वहां पे आपका मेन फोकस टोन ऑफ वॉइस पे होना है।
क्योंकि 14% ही वर्ड अफेक्ट करते हैं, मेनली पोर्शन हमारा होता है 86%। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी, आपको ये लिख के भी लेनी है, गोल्डन एमपी की तरह आप भी यूज कर सकते हो। एग्जाम के अंदर ये 101% आपको हो सकता है ये आ सकती है, तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखना है कि टेलीफोनिक स्किल है उसके अंदर मेनली जो यूज होता है वो क्वेश्चन कौन सा होता है, ट्यून ऑफ वॉइस 86%। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा इंफ्लेक्शन, अब उसके बाद देखेंगे इवेल्यूशन और टेलीफोनिक वॉइस। हम अपना जो टेलीफोनिक वॉइस है ना उसको कैसे इवेल्यूट कर सकते, आगे छठी स्लाइड में हमने देखा कि हमारा जो ट्यून ऑफ वॉइस है वो मेनली जो इम्पैक्ट होती है जो 86% होती है वो होती है। बट अब हमें उसको अंदर डीप में देखते हैं कि जो हमारे ट्यून ऑफ वॉइस है उसको हम कैसे इवेल्यूट कर सकते, उसको हम कैसे हमारा इम्प्रूव कर सके जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करवा सके अपनी बात टेलीफोनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये हमें इन डीप देखना होगा कि किस किस तरह की हमें जरूरत होगी। योर वॉइस मेक एज इमीडिएट इम्प्रेशन दैट सेंस प्रॉपर्टी यू एज, आपको इमीडिएट अपना जो इम्प्रेशन है अपना वॉइस ऑफ ट्यून है वो आपको इम्प्रूव करना है, तो वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी दी गई आपके स्क्रीन के अंदर वो आपको यूज करनी होगी, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो अच्छी तरीके से आप वॉइस ऑफ ट्यून को इवोल्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोर्ट्री दी गई है उसके यूज से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया फ्रेंडली और डिस्टेंस, मतलब आप जब भी कोई पर्सन के साथ या ऑडियंस के साथ टेली कम्युनिकेशन करते हैं या उसके साथ कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जो ट्यून होनी चाहिए ना वॉइस ऑफ ट्यून वो एकदम फ्रेंडली होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि कोई मैं अच्छे व्यक्ति के साथ बात कर रही हूँ, सामने वाला पर्सन वो अच्छी तरीके से हमें अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, उसको अफेक्ट होना चाहिए उसके माइंड के अंदर। तो मतलब कि आपको क्या करना है, आपका जो वॉइस ऑफ ट्यून है ना वो आपको एक कम्प्लीटली फ्रेंडली रखना चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंट और ड्रीमी, मतलब आपका जो भी आप कोई भी बात कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति के साथ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आवाज होनी चाहिए, आपकी आवाज में एकदम स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि जो मुझे बोल रहा है या जो मैं जिसके साथ कन्वर्जेशन कर रही हूँ वो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, उसकी बातों में दम है, तो वैसा उसको लगना चाहिए। आप एक लेजी की तरह बात करोगे तो सामने वाले व्यक्ति या पर्सन या ऑडियंस है वो आपके अंदर माइंड डायरेक्शन ही नहीं करेंगे, उसका माइंड डाइवर्जेशन होता रहेगा। बट आपकी जो वॉइस ऑफ ट्यून है वो एकदम कॉन्फिडेंट होगी, प्रीमेड होगी, तो आप क्या होंगे एकदम सामने वाले व्यक्ति के माइंड में आपकी एक इमेज है वो एक अलग से इम्पैक्ट क्रिएट होगी। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि जब भी आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तो फ्रेंडली तरीके से बात तो करनी है, उसके साथ साथ आपका जो वॉइस ऑफ ट्यून है ना वो एक कॉन्फिडेंट लगना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को वो बोर ना हो जाए और आपकी बातों में सही से ध्यान दे और आपके साथ सही से कन्वर्जेशन कर। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके बाद स्पॉन्टेनियस और मैकेनिकल, मतलब आप जब सामने वाले व्यक्ति को बात कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टेक्निकली बनना पड़ेगा, मतलब कि आप किसी को एग्जांपल दे रहे हो या कोई भी चीज उसको अंडरस्टैंड करवा रहे हो तो वहां पे आपको एक टेक्निकल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि सामने वाले व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है वो अपने माइंड में कम्प्लीटली उसका विजुअलाइजेशन कर सके। इसलिए आपको एक मैकेनिकल तरीके से देखने चाहो तो आपको एक टेक्निकल तरह आपको कन्वर्जेशन करनी पड़ेगी जिससे कि उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप उसको बता सकते हो, उसके साथ साथ उसका जो भी कोई इम्प्रूवमेंट है वो आपको कैसा होगा वो सब आप उसके प्लस पॉइंट की तरह से आप टेक्निकल व्यू से दिखा सकते हो। तो ये बात आपको कम्प्लीटली रखनी होगी, आपको वहां पर मैकेनिकल तरीके से काम नहीं करना, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स और नर्वस, तो उसके अंदर क्या कि आप कभी कभार किसी के सामने बात करते हो टेलीफोनिक जरिए से तो वहां पे आप अंदर से नर्वस नहीं रहेंगे, मतलब कि आप अंदर से रिलैक्स फील करते ही सामने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन करोगे, मतलब कि आप ही रिलैक्स नहीं हो तो सामने वाले व्यक्ति को आप कैसे अपनी बात अंडरस्टैंड करवा सकते हो, मतलब
आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हो टेलीफोनिक जरिए से, तो वहां पे आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अपनी बात एक टोनली इफेक्ट से करना चाहिए। और जब आप नर्वस होंगे तो अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के सामने स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाओगे, तो सामने वाली व्यक्ति अपने आप ही समझ जाएगी कि ये नर्वस है, अंदर से कुछ नहीं बोल सकता है। तो वो बात हमने नहीं की, हमें एक रिलैक्स माइंड के साथ सामने वाली व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, जिससे कि उसको लगे कि ये जो पर्सन है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग फील है, वो कह रहा है, वो सच्ची है। तो ये बात उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर उसको क्या करना चाहिए, एक इम्पैक्ट क्रिएट होनी चाहिए। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो एज अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे आपका माइंड आपको रिलैक्स होकर बात करनी है, ना कि नर्वस होती। ये बात जो कम्प्लीटली आपको मोशन आईएमपी की तरफ भी याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने जो मेन चार टॉपिक देखे, उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले फ्रेंडली तरीके से बात करनी है, हमें कोई उसके साथ एज अ पेरेंट या बॉस की तरह से हमें कोई इफेक्ट नहीं लानी है, डिस्टेंस उसका नहीं रखना, हमें एज अ फ्रेंडली बात करनी है, तो ही वो सामने वाले व्यक्ति हमको रिस्पॉन्स कम्प्लीटली दे। उसके बाद कॉन्फिडेंट तरीके से बात करिए, एकदम लेजी तरीके या टिमेंड तरीके से हमें बात नहीं करनी है। हम सामने वाली पर्सन है या कोई ऑडियंस है, उसको लगना चाहिए कि इस बंदे में दम है जो बात करे, तो जैसे हमें कोई स्किल लानी। उसके बाद है, हम जो भी कोई काम करते हैं या हमें कोई भी कन्वर्जेशन करते हैं टेलीफोनिक जरिए से, तो हम उसको भले ही सामने नहीं है, हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, वो हमको सिर्फ सुन देख तो सकता नहीं, बट आपको ऐसे फील करवाना है कि वो टेक्निकली आपको उसको ले जाना है, जिससे कि उसको लगे कि ये जो पर्सन है वो रियल में जितनी बात करता है उतना ही वो हेल्पफुल है, या उसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बात आपको उसको देना है, आपको नॉलेज शेयरिंग करनी है उससे। और मेन टॉपिक यहाँ पे देखने जाए तो रिलैक्स माइंड के साथ आपको कन्वर्जेशन करनी है, ना कि आप नर्वस होकर उसके साथ कन्वर्जेशन करें। तो ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉपर्टी की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी एक इमेजिनेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले, मतलब कि ये जो वॉइस है इसके अंदर आप जो ये फ्रेंडली कॉन्फिडेंट टेक्निकली और रिलैक्स मोड से काम करोगे ना, तो सामने वाली जो पर्सन है या ऑडियंस है उसके अंदर कोई एक अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट होगी आपकी। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि आपको अपना टेलीफोनिक वॉइस यूज करना है, तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है वो आपको कम्युनिकेट रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले ऑलवेज स्माइल, मतलब आप किसी के अंदर या किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर वर्क कर रहे हो या किसी भी साथ या किसी भी ऑडियंस के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हो, तो वहां पे आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, साथ साथ में आपको ऑलवेज स्माइल की तरह ही काम करें। वहां पे आपको सामने वाली व्यक्ति को लगना चाहिए, पर्सन को लगना चाहिए कि ये कोई टेंशन में नहीं है, कोई नर्वस नहीं है, वो कम्प्लीटली हैप्पीफुल आपको पढ़ा रहा है या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति के सामने आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तो ऑलवेज स्माइल के साथ ही आपको करनी है, फ्रेंडली तरीके से, किसी भी तरीके से गुस्से होने की जरूरत नहीं है, आपको एज अ फ्रेंड की तरह स्माइल लेके आपको उसके साथ बात करनी है। यहाँ पे हम इन डिटेल देखते हैं, व्हेन यू स्पीक टू समवन ऑन द फोन अनलेस इट्स इनअप्रोप्रिएट, मतलब आप जब सामने वाले व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो वो क्या होती है इनअप्रोप्रिएट, आपके तो उसे देख नहीं सकती, तो वहां पे आपको अपना जो भी कोई फीलिंग है वो आप अपने स्माइल के साथ ही दे सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी, दिस माइट साउंड ओड बट प्रैक्टिकल एंड लिसन टू द डिफरेंट इन द ट्यून ऑफ वॉइस इज योर आर स्माइलिंग, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति देख तो नहीं सकते, बट आपको एक अपने जो वॉइस ऑफ ट्यून है उसके जरिए सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि हम स्माइल फील कर रहे हैं, जिसे कि आप हंसने की भी बोल सकते हो, किसी भी बात से हंसते हो, तो सामने वाले जो व्यक्ति को लगता है, पर्सन को लगता है कि नहीं, ये जो सामने वाला बंदा है वो एक हेल्पफुल तरीके से काम कर रहा है, एक फ्रेंडली तरीके से, उसका एक नेचर ही अलग टाइप का। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी कभार जो भी आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करते हैं तो उसके अंदर जो आपका वॉइस ऑफ ट्यून है ना, उसको ऑलवेज स्माइल के साथ ही लाना है। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। उसके बाद है पिच योर वॉइस लोअर, तो उसके अंदर हम देखते हैं फोन आर लाइक टेप रिकॉर्डिंग, फोन आप देखते हो तो वन टाइप ऑफ क्या है टेप रिकॉर्डिंग, उसकी तरह ही काम करते हैं, दे मेक योर वॉइस साउंड हायर पिच, मतलब
वो आपका वॉइस है ना हायर पिच की तरह ही रिकॉर्ड करता है, टाइप करता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पीक साइलेंटली स्लोअर देन नॉर्मल एंड प्रोनाउंस योर वर्ड क्लियरली, मतलब कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तो वहां पे आपको एक हाई वॉइस के साथ बोलना नहीं है, स्पीक नहीं करना, वहां पे आप स्लोअर तरीके से एकदम बोल सकते हैं क्लियर एंड कट। आप जब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो ना वैसे ही तरीके से आपको बात करनी चाहिए, जैसे कि सामने वाली व्यक्ति है ना उसको अपना जो वॉइस है वो क्लियर कट प्रोनाउंस करना। जब आप एक हाई वॉइस के साथ काम करते हो तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना उसको चेंज हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो ने कुछ कलर कह दिया या वो कुछ उसका जो फीलिंग है उसका एटीट्यूड है वो अलग नहीं करता। बट आप जब भी कोई काम करते हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो तो आपको याद रखना है कि आप नॉर्मल तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है एज स्लोअर, आपको स्लो तरीके से, मतलब कि सामने वाले को व्यक्ति को क्लैरिफाई हो, आप आपका जो वर्ड है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके, तो इस तरीके से मतलब कि आप पिच और वॉइस स्लोअर रखना है आपने, तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। उसके बाद बी वेल प्रिपेयर्ड, सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब कि आपको बोल सकता है कि आपको पता है कि मुझे इस पर्सन के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, इस टॉपिक के अंदर करनी है, तो सबसे पहले तो आपको है ना उसके प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मैं इसके साथ या इस पर्सन के साथ कैसे काम करूंगा, कैसे उसको कन्वर्सेशन करूंगा, किस तरह से उसको डिटेल पास करूंगा, उसके साथ साथ उसके माइंड के अंदर में कैसे इंटरेक्ट क्रिएट करूंगा, उसको कैसे अंडरस्टैंड करवाऊंगा, वो सारी की सारी बात आपको बी वेल प्रिपेयर होनी चाहिए, सबसे पहले प्रिपेयर करके रखनी। तो देखते हैं प्रैक्टिकल बाय फोनिंग समवन यू नो वो विल गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, मतलब कि आपको पता ही है कि जब आप कोई भी प्रैक्टिकल तरीके से देखने जाओ तो किसी तरीके से आप कन्वर्जेशन कर रहे हो तो सामने वाले का फीडबैक होता है ना वो ऑनेस्ट ही होता है, वो आपको पता ही है। इफ नेसेसरी है वो प्री अरेंज स्पीच, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो प्री अरेंज करके रखनी है, मतलब कि आप उसके साथ साथ कैसे बात करोगे, किस तरह के टॉपिक्स आप उसके साथ शेयर करोगे, तो वो सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है मतलब कि जो भी आप कन्वर्जेशन करना चाहते हो उसकी सारी की सारी स्क्रिप्ट आपको प्री अरेंज करके ही रखनी है, जिससे कि क्या हो सके सामने वाले व्यक्ति को कम्प्लीटली पता चल सके कि ये बंदा है ना एकदम स्ट्रॉन्गली काम करता है और हेल्पफुली कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्क्रिप्ट में भी कुछ गड़बड़ ना हो और हमें जो प्री अरेंज किया है वो कंटेंट भी सारा हम यूज कर सकते हैं उसको कम्प्लीटली, तो है हमारी नॉलेज शेयर कर सकते, तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी कि आपको प्री अरेंज करके ही रखना है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले भी कहा था कि आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना होगा, मतलब कि आप किस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं, किस तरीके से आप डिस्कशन करेंगे, तो वो सारी की सारी बात है ना आपको प्री अरेंज करके ही रखनी पड़ेगी, तो ही आप कम्प्लीटली एक कम्युनिकेशन को सक्सेस बना सकते हो, कम्प्लीट अंडरस्टैंड सामने वाले व्यक्ति को कर सकते हो। तो ये बात डोंट वेसल, आपको कभी वेसल नहीं होना है, वो बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड के अंदर देखा बी वेल प्रिपेयर कि सबसे हमें पहले प्रिपेयर होना चाहिए, हमें अपनी स्क्रिप्ट अरेंज करनी है, प्री अरेंज करके रखनी चाहिए, तो ये बात यहाँ पे हमने देखी। उसके बाद है लिसन, तो लिसन भी एक अच्छा टॉपिक है, सामने वाले व्यक्ति को हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या किसी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या इसका फीडबैक ले रहे हो तो उसके अंदर हमारा एक्टिव लिसनिंग तो होना ही चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति की बात सुनोगे नहीं, अच्छी तरीके से सुन नहीं पाओगे तो आप उसका फीडबैक कैसे जनरेट कर पाओगे, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे सक्सेस कम्प्लीटली कर पाओगे, आप उसकी बात कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि आपको एक एक्टिव लिसनिंग की तरह उसकी बात सुननी। केयरफुली टू वॉच दैट अदर पर्सन इज सेइंग, हमें केयरफुली सुनना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कह रहा है विदाउट इंटरप्रेटिंग, हमें किसी भी तरह से उसके अंदर दखलअंदाजी करनी नहीं है, उसकी बात हमने पहले को सुन लेनी है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका फीडबैक क्या है, वो किस तरह का अंडरस्टैंड है, उसके बाद जब उसकी बात खत्म हो उसके बाद ही आपको उसका फीडबैक देना या कुछ भी आपको उसको क्वेश्चन करना है, तो यह बात आपको याद रखनी है कि केयरफुली आपको सबसे पहले उसकी बात लिसन कर लेनी है विदाउट एनी इंटरप्रेटिंग, तो यह बात आपको याद रखनी है। मैंने कहा वैसे आपको एक कम्प्लीट
एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद है टेक नोट, मतलब कि आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ अंडरस्टैंड करवा रहे हो या किसी भी प्रकार की या किसी भी टाइप की अंडरस्टैंडिंग या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लाइक क्वेश्चन होता है, आपको लगे कि यह क्वेश्चन सामने वाले व्यक्ति को करना चाहिए या वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके अंदर आपको डाउट हो रहा है, तो वहां पे आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप इन बिटवीन स्पीच के अंदर नहीं पूछोगे या इन बिटवीन कन्वर्जेशन के अंदर नहीं पूछोगे, आपको उसको नोट करके रखना है कि मेरा ये क्वेश्चन है, जिससे कि जब आपकी जो कन्वर्जेशन है वो सामने वाले व्यक्ति की कंप्लीट हो तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बात ये आपको कंप्लीटली रखना है कि जो भी कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट है या आप सजेशन की तरह दे सकते हो, तो सामने वाले जो पर्सन है जब आपको कह रही है तब आपको उसके बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तब भी वो स्पीच खत्म करे अपनी या उसका जो भी कन्वर्जेशन खत्म हो तब आपको लास्ट में कहना है कि सर ये क्वेश्चन है, ये डाउट है या ये एक एडवाइस की तरह आप ले सकते हो। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह यूज कर सकते हो टेक नोट, जो टेलीफोनिक वॉइस के लिए जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसे किसकी क्लियर होती, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है लोकेशन, मेक श्योर यू आर समवेयर क्वाइट एंड वेयर यू विल नॉट बी इंटरव्यूड, मतलब कि जब आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करना चाहते हो, तब आपका प्लेस एकदम क्वाइटफुल होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर कोई शोर शराबा नहीं होना, तो आपकी जो रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है और आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो आपको एक ऐसा लोकेशन चूज करना है वो एक कम्प्लीटली आपको डिस्टर्बेंस ना हो, उसके अंदर कोई इंटरप्यूटर ना हो, वैसा ही आपको लोकेशन चूज करना है जिससे कि हम अपना कन्वर्जेशन काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग इसी तरीके से कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति है या पर्सन है उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, हमारी आवाज उसकी हमारी वॉइस है उसको कम्प्लीटली फील करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको एक याद रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो टेलीफोनिक जरिए से, तो वहां पे आपको अपना जो लोकेशन है क्वाइटफुल चूज करना है, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, तो यह बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी। उसके बाद है डोंट ईट डोंट स्मोक, यू कैन हियर इट ऑन फोन, मतलब आपको उसके जब आप उसके साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ फोन कन्वर्सेशन कर, तो उस समय से आपको कुछ खाना नहीं, कोई स्मोक नहीं करना। कई तो बार क्या होता है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कहाँ पता है कि हम कुछ खा रहे हैं या कुछ स्मोक है, बट उसके भी बैड हैबिट होते हैं, वो अपने आप उसका आप जो भी एक करते हो तो आपका जो वॉइस होता है तो वो उसको सुन सकता है, तो ये भी एक क्या हो गया उसके अंदर बैड हैबिट ही हो गया ना, तो उसको लग रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तब आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ स्मोक करना है, सिंपल आप एक सही तरीके से आप एक्टिव तरीके से उसको हैंडल करना है, ना कि उसके अंदर हमें कोई डिस्टर्बेंस हो सके उसको हमें कोई ऐसी प्रोसेस करनी है। तो एक बात याद है, यू कैन हियर इट ऑन द फोन, आप इसको इजी तरीके से आप उसको सुन सकते हो। If you need a drink, then let the other person know. Otherwise, they will be surprised by suddenly hearing laughing noise. मतलब कि आपको जो चाहिए वो आप अदर पर्सन से ले सकते हो, और आप जब भी कोई सडनली आप जो भी कोई पीना चाहते हो, कोई ड्रिंक करना चाहते हो, तो वहां पे वो सामने वाले व्यक्ति वो सडनली उसको जो लैपिंग नॉइज है ना उसको सुन सकता है, तो वो एक क्या हो जाए बेड़े बेड़ की तरह भी यूज होते हैं, उसको लगता है कि ये बंदा है जो अभी भी हमारी कम्युनिकेशन को एक सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि किसी भी तरह की प्रोसेस है वो वहां पे आप नहीं करोगे, जब आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो करना है वो कर, तो उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आपको एक डोंट ईट मतलब कि कुछ खाना नहीं है, कुछ स्मोक नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाए, आज के अंदर हमने टॉपिक में देखा, एक बार फिर हम देख लेते हैं आज के अंदर हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमने देखा योर वॉइस इज योर पर्सनली ओवर द टेलीफोनिक, पर्सनली आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो क्या है, आपकी वॉइस है। जब आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो तो वहां पे आपकी जो पर्सनालिटी क्या इम्पेक्ट होती है, आपकी वॉइस की तरह इम्पेक्ट होती है, वो वॉइस सुनते ही आपकी पर्सनालिटी को चेक करनी। उसके बाद हमने देखा कि एक यूनिक स्किल की तरह काम करती है टेलीफोनिक स्किल, जो 86% है, जिसके अंदर क्या यूज होता है, यू नो वॉइस
मतलब कि आपका जो मैसेज होता है आप जो दोनों वॉइस के थ्रू देते हो वो उससे माइंड के अंदर 86% इम्पैक्ट करता है, और जो वर्ड होता है ना वो 14% इम्पैक्ट करता है। तो उसके अंदर हमने डीप में देखा कि हमारा जो टेलीफोनिक वॉइस है उसको हम कैसे कम्युनिकेट कर सके, कैसे वो यूज कर सके। तो उसके बारे में हमने देखा था कि यहाँ पे जो चार आपको प्रॉपर्टी बताई गई है वो आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर देखा था कि फ्रेंडली तरीके से हमें यूज करना होगा, किसी भी कन्वर्जेशन करना होगा, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए कि हम किसी बात पर बोल रहे हैं तो वो एकदम सही है या कॉन्फिडेंस है हम इसके अंदर, हमें कुछ टेक्निकली एग्जाम्पल भी उसके अंदर रखने चाहिए। और जब हम कोई भी कन्वर्जेशन कर रहे हो टेलीफोनिक तो वहां पे हमारा जो रिलैक्स तरीके से हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ना कि नर्वस होना चाहिए, तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। इसके बाद देखा कि हम जब टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के साथ हमें ऑलवेज स्माइल के साथ ही बात करनी है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन एंटी की तरह आप ये कहते हैं। उसके बाद कीप योर वॉइस लोअर, मतलब कि आप जब बात कर रहे हो तो वहां पे आपकी जो वॉइस है ना वो हाई तरीके से नहीं यूज करना, आपको एक स्लो तरीके से नॉर्मल वे के अंदर उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसका वर्ड है वो अंडरस्टैंड क्लियर तरीके से कर सके, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद वी वेल प्रिपेयर, हम जिस टॉपिक पे कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, जिस डिटेल का हम पास करना चाहते हो, तो वहां पे हमें सबसे पहले अपने स्टेप प्री अरेंज करके रखने हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। मतलब कि हमें बी वेल प्रिपेयर होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिसन, तो हमें केयरफुली लिसन करनी चाहिए, उसके अंदर हमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये सीरियस कन्वर्जेशन नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जो सामने वाले व्यक्ति का कोई भी फीडबैक है या वो कुछ कहना चाहते हो तो वो हमें केयरफुली लिसन करना है, एक एक्टिव लिसनर भी तरीके से। उसके बाद है टैक नोट, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, इन बिटवीन आप कम्युनिकेशन के अंदर कोई डाउट होता है या कोई एडवाइस देना चाहते हो तो आपको उसको टैक कर लेना है, टैक नोट कर लेना है। मतलब कि जब कम्युनिकेशन आपका खत्म हो, सामने वाले जो पर्सन है उसका जो स्पीच वो खत्म हो, तब आप ये पूछ सकते हो एज ए क्वेश्चन के लिए, तो जो आपने नोट किया होगा तो आपको याद रहेगा, रिमेम्बर आप कर सकते हो, आपको देख कर पूछ सकते हो कि ये मुझे क्वेश्चन है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी, टेक नोट। उसके बाद होता है लोकेशन, मतलब कि जब आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब आपका लोकेशन क्वाइट फ्री होना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। जो भी आप प्लेस चूज करोगे, लोकेशन चूज करोगे, वो क्वाइट ही होना चाहिए। उसके बाद है डोंट ईट डोंट स्लीप, जब आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तब आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ स्मोकिंग नहीं है, तो ये एक क्या हो जाती है, बैड हैबिट हो जाती है, और उसके अंदर आप कम्प्लीटली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे, तो ये बात आपको याद रखें। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर होता है वो खत्म होता है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये आपको लेक्चर कम्प्लीट होने के बाद फिलअप करना रहेगा। ओके, थैंक।